ये सब जो है आपस में मिले हुए हैं और ये जो है इन्होंने जो मुझसे वीडियो की थी, मेरे साथ स्टाम भी उन्होंने किया था कि हम ये वीडियो वायरल नहीं करेंगे। स्टाम के बावजूद उन्होंने मेरी ये वीडियो वायरल की। ये किसकी नाअहली है? ये हमारी इदारों की, गवर्नमेंट की, हमारी इज्जत नामूस का तो ख्याल रख सकते आप लोग, हमारे इज्जत तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये वीडियो अगर मेरे पेरेंट्स देखेंगे, मेरे फैमिली वाले देखेंगे, वो लोग क्या कहेंगे? मैं लोगों की परवाह नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी फैमिली की परवाह करती हूँ। वो मौसी लोग हमेशा ख्वाजा सरा को ही गलत ठहराया गया है। ख्वाजा सरा ने तो कभी किसी के साथ जबरदस्ती कुछ नहीं किया, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी के घर की बेइज्जती नहीं की, किसी की बहन की बेइज्जती नहीं की, किसी के बच्चे की बेइज्जती नहीं की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी डॉल्फिन यान। गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी एक वीडियो जो है गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, और मैं जो है किसी को क्या कहूँ, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे वो पुलिस हैं, चाहे वो कोई भी इदारा है मुझे सपोर्ट करे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इस वक्त मैं इन हालातों में ही तो नहीं हूँ कि मैं कुछ और कह सकूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल हूँ, और ये एग्जांपल इस तरह की हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी भी स्टैंड ना लिया तो ये कल आपकी बच्चियों के साथ भी हो सकता है। और मैं पूछती हूँ वो नाम निहाद मौलवियों से, मैं वो नाम निहाद और अमन जरगे वालों से, मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो हमेशा ट्रांसजेंडर को गलत कहते हैं, कहाँ है वो इदारे, कहाँ है वो इदारे, कहाँ है वो लोग? अभी आए ना, मेरा पूछे ना इन लोगों से, मेरा क्या कसूर था? बस ये कसूर था कि मैं सिर्फ फंक्शन करती हूँ, बस ये मेरा कसूर है। पहले हमें हमारे घरों से निकाला है, फिर जो है ये भी हमारे साथ ये भी हो रहा है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और जो से लोग बड़े खुश है ना, तो मैं ये कहना चाहूंगी ना कि जान अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये आज मुझ पर है, कल आप पर भी हो सकती है। और दूसरी बात, ये हमारे पास भी लोगों की वीडियोस आती है, लेकिन हम लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते किसी में कि हम उनकी वीडियोस देखें, उनकी बातें सुने कि क्या है क्या नहीं है। हमारे अपने इतने काम होते हैं, और जो लोग भी जो वीडियोस को फॉरवर्ड कर रहे हो, पेजेस भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई जो सा बंदा भी जो है ये वीडियो पेज पे लगाएगा, उसका पेज बंद होगा FIA की तरफ से, ठीक है, उसका पेज जो है ब्लॉक हो जाएगा। जो भी ये वीडियो अपने पेज पर लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात ये कि मेरे CCPO साहब से, IG साहब से, और मेयर जो हैं जुबैर अली शाह जो हैं, और वजीर अला गंडापुर हैं, कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि दिन ब दिन ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को जो है, ये कैसे लोग हैं, ये माशरे के नासूर लोग हैं। हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं है, हमारे लड़के सेफ नहीं है, हमारे ख्वाजा सरा सेफ नहीं है, ये आखिर कौन लोग हैं? इन लोगों को खत्म किया जाए, आखिर कब तक ये होगा? इन लोगों को भी नंगा किया जाए चौक में, ये कब तक आखिर होगा इस तरह? मेरी सारे मीडिया से ये दरख्वास्त है कि इस मौजू को आप बहुत से बहुत उठाएं, इसको 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 इतना शेयर करें, इसको इतना शेयर करें कि उस जो बंदा जो है उसको पकड़ा जाए, उसके वालिदैन, उसको जो वालिद है उसको पकड़ा जाए, उसके भाई को पकड़ा जाए। ये इमरान नामी बंदा है, इमरान नामी शबकदर मियां कले में रहता है, इमरान, उसके बाप का नाम इख्तियार खान है, भाई का नाम यासीन है, ये सब जो है आपस में मिले हुए हैं। और ये जो है इन्होंने जो मुझसे वीडियो की थी, मेरे साथ स्टाम भी उन्होंने किया था कि हम ये वीडियो वायरल नहीं करेंगे। स्टाम के बावजूद उन्होंने मेरी ये वीडियो वायरल की। ये किसकी नाअहली है? ये हमारे इदारों की, गवर्नमेंट की, ये हमारे पुलिस एहलकारों की है। मैं इस माशरे में इतनी इज्जत नामो इज्जत वाली नहीं हूँ, मैं इतनी इज्जत वाली तो नहीं हूँ, लेकिन आप तो इज्जत वाले हो ना, कल ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए लिहाजा मेरी सारे मीडिया से, इंशाल्लाह 9-10 तारीख को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, 9-10 तारीख को, और इंशाल्लाह मेरा कुछ काम है ये एक हफ्ते तक, तो चले जब मैं इंशाल्लाह वापस आ जाऊँ तो 9-10 तारीख को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। और सारी मीडिया वाले को मेरी ये दरख्वास्त है कि वो फिर वहाँ पे पहुंच जाए, पिशावर जो प्रेस क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे पहुंच जाए। और CCPO साहब से, YG साहब से मेरी ये अपील है, और मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, अभी तक तो आप हमें तहफ़ नहीं दे सकते, लेकिन लिहाजा हमारी इज्जत नामूस का तो ख्याल रख सकते हैं आप लोग, हमारे इज्जत तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये वीडियो अगर मेरे पेरेंट्स देखेंगे, मेरे फैमिली वाले देखेंगे, वो लोग क्या कहेंगे? मैं लोगों की परवाह नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी फैमिली की परवाह करती हूँ। मेरी फैमिली क्या कहेगी, उनके ऊपर क्या गुजरेगी? क्या आप लोग इंसान नहीं हो? क्या आप मुसलमान नहीं हो? क्या हम लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा? हम लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा क्या? क्या हम मुसलमान? कहा है वो मौलवी लोग जो हमेशा ख्वाजा सरा को गंदा करते हैं?
वो मौसी लोग हमेशा ख्वाजा सरा कोई का गलत ठहराया गया है। ख्वाजा सरा ने तो कभी किसी के साथ जबरदस्ती कुछ नहीं किया, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी के घर की बेइज्जती नहीं की, किसी की बहन की बेइज्जती नहीं की, किसी के बच्चे की बेइज्जती नहीं की। आए दिन यही ख्वाजा सराओं के साथ ये जुल्म होते जा रहे। कहाँ है पुलिस, कहाँ है हमारी गवर्नमेंट, कहाँ है? लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। मैं तो नहीं आना चाह रही थी लेकिन बहुत मजबूरन से ये मैं बातें कर रही हूँ, वरना मैं कभी भी इस तरह बात नहीं करती। और बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।